कानपुर में VSSD कॉलेज परिसर में दो दिन बाद भी वन विभाग की रेस्क्यू टीम तेंदुए का पता नहीं लगा सकी। मंगलवार को रेस्क्यू टीम को गंगा बैराज पर बने लवकुश पार्क में पदचिन्ह मिले हैं, जिसके मुताबिक रेस्क्यू टीम अंदाजा लगा रही है कि वह परिसर से निकलकर वापस कटरी क्षेत्र में चला गया है। वन विभाग रेस्क्यू टीम के RO लल्लू सिंह ने बताया कि रात को VSSD कॉलेज परिसर में तेंदुआ नहीं आया। टीम उसे पकड़ने के लिए लगी थी। मंगलवार सुबह टीम ने जब परिसर का निरीक्षण किया तो हॉस्टल के बगल में बने मंदिर के चबूतरे और बाउंड्री की दीवार में उसके पंजे के निशान मिले हैं। जब बैराज टीम पहुंची तो लवकुश पार्क के गार्ड ने रात 1 बजे तेंदुआ देखने की बात कही। इसके बाद टीम ने निरीक्षण किया तो उसके चिन्ह भी पार्क में मिले हैं। उन्होंने कहा कि यह किसी ने सही से नहीं देखा कि वह परिसर से बाहर गया है या नहीं, इसलिए पीलीभीत से 10 कैमरे भी मंगाए गए हैं, जिसमें 6 VSSD कॉलेज परिसर में लगाए जाएंगे और 4 लवकुश पार्क में लगाए जाएंगे। उसी से तेंदुए की निगरानी होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।